ये देखिए, लॉकडाउन के बाद पूरे रोड खाली, सब शॉप्स सब कुछ क्लोज, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, सभी एकदम खाली हो गया। सब शॉप सब कुछ बंद है लॉकडाउन की वजह से। और हाँ, लॉकडाउन होना भी चाहिए इस टाइम, कोरोना इतना। देखिए, सब बिल्कुल शांत हो गया, और कोरोना के टाइम पे ये सब हम लोगों को भी मानना चाहिए। लॉकडाउन अच्छे से घर पे रहिए, बी सेफ, और हाँ प्रोटेक्शन रखिए सब। बस यही है हमारे टाउन की हालत। देखिए, सब बंद, सब कुछ बंद। सभी अपने अपने घर पर जा रहे हैं अभी। कोरोना के सेफ्टी रूल्स सभी मानिए। ये देखिए, आज मौसम बारिश वाला है, बारिश हो भी रही है। देखिए, बारिश हो भी रही है। बहुत कल रात बहुत बारिश हुआ, और आज सारा दिन ही ऐसा है, बारिश गिर रही है। अभी बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। ये मेरे पापा है, हाँ कुछ काम कर रहे हैं। थोड़ा बारिश ऐसा हो रहा है, चारों ओर बारिश बहुत है, हो रहा है। नमस्ते, आप सबको इंडियन ब्लॉगर इंद्राणी चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आज कुछ घरेलू होममेड प्रोसेस में बताऊंगी आप लोग कैसे अपना स्किन के केयर कर सको। हाँ, कोई लोग है जो होममेड प्रेफर करते हैं, कोई है जो बाहर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिसका जैसे भी हो सकता है वही करते हैं। बट मैं सजेस्ट यही करूँगी, जितना हो सके आप होममेड मेड प्रोडक्ट ही यूज़ कीजिएगा, बिकॉज़ होममेड में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, केमिकल्स नहीं होता है, जिससे हमारा स्किन बहुत अच्छा रहता है, ठीक रहता है। इसीलिए होममेड कुछ प्रोडक्ट ही यूज़ कीजिए जितना हो सके। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ हम अपना स्किन क्लींस कैसे करें होममेड प्रोसेस से। तो हम क्लींजिंग मिल्क यूज़ करते हैं, बाहर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा है, बट उनमें केमिकल्स होता है। इतना केमिकल्स होता है आपके स्किन के लिए बहुत ही ख़राब होता है। हाँ, कुछ दिन पहले पहले अच्छा होता है, पहले पहले आप लोग बहुत अच्छे फील करोगे, बट जब जितना एज होता जाता है स्किन उतना ही डल होता रहता है, बिकॉज केमिकल होता है। तो इसके लिए हम लोगों को घरेलू होममेड प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करें, जैसे समझिए मिल्क। हाँ, मिल्क लेके हम कॉटन से धीरे से सर्कुलर मोशन से हम अपने स्किन पे रब करें, वैसे हम क्लींस कर ले तो हमारा स्किन का बहुत अच्छा केयर होता है, और जितना हो बहुत ही ज़्यादा क्लींस भी होता है। हमारा स्किन पूरा क्लींस हो जाता है। हम थोड़े टाइम वो मैसेज करें कॉटन के साथ, देन देखिए आपका स्किन साफ हो जाता है। उसके बाद हम जो प्रोडक्ट होता है, उसके बाद होता है
क्लींस के बाद थोड़ा स्क्रब करें। तो स्क्रब होममेड प्रोसेस से कैसे करें तो मैं बताती हूँ। सूजी जो होता है वो सूजी लेके और साथ में मिल्क लेके आप पहले उसे मिक्स्ड कीजिए। मिक्स्ड करने के बाद आप अपने स्किन पे सर्कुलर मोशन में रब कीजिए धीरे धीरे रब कीजिए, 10-15 मिनट तक कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। उससे भी स्किन स्कर्ब बहुत अच्छे से होता है। नोज़ के साइड्स लिप्स के ऊपर नीचे अच्छे से सर्कुलर मोशन में रब कीजिए, देन अच्छा रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलेगा। और आप इससे बहुत क्या बोलूँ, स्किन होता है ना, जब हम बाहर के प्रोडक्ट से स्क्रब करते हैं अपने स्किन को, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा पैचेस हम लोगों को फील होता है। लेकिन अगर हम दूध के साथ सूजी मिक्स करने वाला जो बैटर है वो यूज़ करके हम अपने स्किन में स्क्रब करें, देन बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा और स्किन ड्राई भी नहीं फील होता है, बहुत अच्छा रहता है स्किन। और उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर हम कुकुम्बर का रस या आप हाँ, और एक बात मैं आप लोगों को बहुत बोलना चाहूँगी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो है सनस्क्रीन। हम तो बाहर के ही यूज़ करते हैं सभी, तो हम होममेड सनस्क्रीन कैसे यूज़ करें, तो इसका बहुत ही सरल उपाय है जो आप लोग यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और सन प्रोटेक्ट भी करेगा। वो है टमेटो का रस आप लेके स्किन में थोड़ा सा लगा के बाहर निकलिए, या सनस्क्रीन का जो काम होता है वही कीजिए लगा के, तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके स्किन पे। सनस्क्रीन का यूज़ जो हम करते हैं वो टोमेटो के रस के साथ कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। और हाँ, उसके बाद क्यूकम्बर का जो रस होता है वो भी स्किन पे लगा सकते हो। कभी कभी बनाना है ना, बनाना का पेस्ट भी आप अपने स्किन पे लगा सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, अब आप लोग बोलोगे पैक किया यूज़ करें, हम स्किन पैक किया यूज़ करें, तो वो भी तो करना चाहिए ना, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। और गर्मी के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा पैक यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज थोड़ी टाइम बाद ही हमारा स्किन बिल्कुल ऑयली हो जाता है ना, तो पैक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, स्किन के लिए पैक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताती हूँ होममेड सरल उपाय से इजीली हम कैसे यूज़ करें, मैं बता रही हूँ। तो हाँ, तो आप पहले थोड़ा बेसन, आप सबके घर पे होते हैं बेसन नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं, सबके घर पे बेसन होते हैं, बेसन लीजिए और उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स कीजिए एंड लेमन नींबू पानी थोड़ा सा दीजिए, 1-2 बूंद 2-3 बूंद बस दे दीजिए। उसके बाद आप मिक्स करिए, पेस्ट बनाइए उसका पेस्ट आप लगा के 15-20 मिनट तक अपने स्किन पे रखिए, फिर अच्छे से धो लीजिए। बहुत अच्छा पैक आपके स्किन के लिए है, ये रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा देता है अपने स्किन के लिए। और हाँ, और एक पैक की बात कर रही हूँ जो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के करें, तो वो है मसूरी दाल। मसूर का दाल जो होता है ना, वो पेस्ट करके उसमें थोड़ा सा हनी या मिल्क मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद जो पेस्ट बैटर होता है वही बैटर पेस्ट अपने स्किन पे यूज़ कीजिए एज ए पैक। उसके बाद 15-20 मिनट्स रखिए, रखने के बाद अच्छे से अपना स्किन क्लीन कर लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा।
और हाँ, होममेड ये प्रोसेस अगर आप लोग यूज करोगे तो डेफिनेटली अब जितना भी एज हो जाए, हम वुमेन्स का 30 इयर्स का होने से ही थोड़ा एजेट आ जाता है, एजिंग आ जाता है, इसीलिए बहुत केयर करना पड़ता है। आप लोग अच्छे से ये प्रोसेस, होममेड प्रोसेस अप्लाई कीजिए अपने स्किन पे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, आप सबको मिलेगा। और हाँ, और उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग की बात भी आती है बीच में, मॉइस्चराइजिंग की बात आती है जो हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वो होममेड हम कैसे अप्लाई करें मैं बताती हूँ। थोड़ा एलोवेरा जो है ना, उसका रस लीजिए, उसके साथ थोड़ा रोज़ वाटर मिक्स कीजिए, करने के बाद आप अपने स्किन पे लगाइए, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग होता है आपके स्किन पे, वो फील करोगे बहुत सॉफ्टनेस एंड थोड़ा ग्लो वो भी रहता है। आप ये यूज़ कीजिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है हेल्दी खाना। सिर्फ हम बाहर से सब कुछ यूज़ करें हमारे स्किन के लिए, हाँ वो स्किन का ख्याल रखेगा, बट जो फ्रेशनेस है, जो कुछ है, वो लोग हेल्दी खाने से ही होता है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल खाइए, वेजिटेबल खाना आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, देन आपका स्किन भी अच्छा रहेगा। और अंदर से अगर कहते हैं ना, अंदर से अगर शाइन हो तो आपके स्किन ऐसे ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो हम बाहर से जितना भी हम केयर करें अपने स्किन का, लेकिन अंदर से भी खुद का केयर करना पड़ता है, अच्छे से डाइट लेना पड़ता है, मॉर्निंग में उठ के थोड़ा योगा मेडिटेशन ये सब कुछ करना पड़ता है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम रेगुलर अगर ये सब थोड़ा रूटीन मेंटेन करेंगे तो हमारा स्किन भी अच्छा रहेगा और सब कुछ हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही टिप्स, और आगे भी आप लोग जैसे सजेस्ट करोगे मुझे, मैं वैसे ही करूँगी। हाँ, इंस्टा में आप लोगों का बहुत अच्छे अच्छे बातें मेरे ब्लॉग्स के लिए आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आप लोग होता है ना, कोरोना के टाइम है, सभी सेफ रहिए और हेल्दी हेल्दी खाना खाइए, और कुछ नहीं, बस आज के लिए इतना ही। और आप अपने ख्याल रखिए, बाय, टाटा, टेक केयर।